बोर्ड का रिजल्ट का इंतजार कर रहे तमाम विद्यार्थियों के लिए फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो फाइनली गाइस आपको बता दें कि आज तक की तरफ से आज की लेटेस्ट अपडेट इस दिन जारी हो सकता है आपका रिजल्ट, एंड ये है लेटेस्ट अपडेट जो आपको इस आर्टिकल में कम्प्लीटली बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो गाइस सबसे पहले जो यहाँ पे अपडेट आ रही है यूपी बोर्ड हाई स्कूल की 1.86 कापियों के चेकिंग के लिए 89,000 परीक्षक नियुक्त किए गए थे। बोर्ड ने इस वर्ष समय से पहले कापी चेकिंग का काम पूरा कर एक नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। कॉपियों की चेकिंग 1 अप्रैल को पूरी होनी थी मगर बोर्ड ने एक दिन पहले ही मूल्यांकन पूरा कर लिया। बोर्ड अब रिजल्ट भी रिकॉर्ड समय पर जारी करने वाला है। एंड गाइस जैसे ही हम नीचे यहां पे आते हैं तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP आज रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। इस साल 58 लाख स्टूडेंट उम्मीदवारों ने शामिल हुए थे हाई स्कूल में, और 12वीं में आपके टोटल हुए थे 27 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। अगर हम आपके रिजल्ट की डेट की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपका जो रिजल्ट है 27 अप्रैल से पहले नतीजे जारी कर सकता है। हालांकि आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा का इंतजार करना होगा। तो फाइनली यहां पे कई आपको बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है 27 अप्रैल से पहले जारी कर दिया जाएगा। आपको बस आधिकारिक टाइम टेबल का वेट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है यहां पे आपको साफ साफ बताया जा रहा है यूपी बोर्ड 27 अप्रैल को जारी हो सकता है यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट। इस साल 58 लाख से ज्यादा छात्रों ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट में बोर्ड परीक्षा दी थी जिन्हें अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSC अप्रैल को यूपी बोर्ड की रिजल्ट जारी कर सकता है। तो गाइस यहां पे आपका 27 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट कहां से चेकआउट करना है इसके बारे में आपको बेसिकली नहीं पता होगा, तो आपको गूगल पे सर्च करना है boardsexam.com। गाइस आप सबको पता है कि जब भी यूपी बोर्ड अपना रिजल्ट जारी करता है तो साइट क्रैश कर जाती है और बच्चे अपने रिजल्ट को आसानी से चेकआउट नहीं कर पाते हैं। तो आपको सिंपल में boardsexam.com सर्च करना है, यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे क्लिक भी कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको सिंपल में नीचे यहाँ पे आ जाना। जैसे हम नीचे यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे नीचे आते यहाँ पे यूपी बोर्ड रिजल्ट डाउनलोड का यहाँ पे लिंक्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको सामने नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको सिंपल में नीचे आ जाना। जैसे भाई नीचे आते हो तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ से आसानी पूर्वक आप अपने रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 3-3 सर्वर अवेलेबल है। अगर आपका एक सर्वर वर्क नहीं करता तो सेकंड सर्वर पे क्लिक करेंगे, तीसरे पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप 10वीं के चेक कर पाएंगे। अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो 12वीं वाले यहाँ पे सर्वर 1 सर्वर 2 पे क्लिक करके अपने रिजल्ट को आसानी पूर्वक चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे आकर आप चेकआउट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फटाफट से आप boardsexam.com सर्च करो, यहाँ पे अपना रिजल्ट आकर चेकआउट कर लेना।